जब मैं स्कूल में था तो इसी रास्ते से मेरे पीछे से मेरी स्कूल बस गुजरती थी, और सुबह सुबह 7:45 बजे इसी रेस्टोरेंट से जहाँ मैं जाने वाला हूँ एक ऐसी सुगंध आती थी, सुबह का खीमा, सीख कबाब, रोटी, पाया यहाँ बनता था। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैंने अपने मम्मी और पापा को पूछा कि ये जो जगह है जहाँ से हर सुबह मैं गुज़रता हूँ वो क्या है और मुझे वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि ये सारवी रेस्टोरेंट है, मुंबई के सबसे बढ़िया सीख कबाब बनते हैं। तो आज मैं मेरे बचपन की जगह आया हूँ जहाँ मेरे हिसाब से मुंबई के सबसे बढ़िया सीख कबाब मिलते हैं। तो आइए मेरे साथ सारवी के अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि खाने में क्या है। Hello, sir. Hello, how are you? Hello. This is Mr. Mohammad Raza. Raza साहब यहाँ के owner है और सालों से हमें सीख कबाब खिला रहे हैं। Raza साहब ये कितने पुराना है अपना सारवी? 1925 का है। 1925. और शुरुआत किसने किया? मिस्टर आजू गुलाम अली सारवी। अच्छा, उनका सरनेम ही सारवी था? सारवी सर। अच्छा। And सारवी means the head. सारवी means the head. So Sarvi means the head, and the person who started Sarvi was also Gulam Ali Sarvi. Gulam Ali Sarvi. और पहले से ही सीख कबाब ही था यहाँ? इराक से कुक लाए थे। और यहाँ शुरू किया। क्योंकि आपका जो सीख कबाब है पहले तो बम्बई का सबसे बढ़िया पुराना और बढ़िया सीख कबाब है, लेकिन जो स्टाइल है सीख कबाब की वो ऐसे लेबनीज इराकी ऐसे ही स्टाइल है ना? मोस्टली इराकी स्टाइल। इराकी स्टाइल सीख कबाब है, मगर यहाँ पे इंडियन स्टाइल को अडॉप्ट किया। यहाँ अडॉप्ट किया था। और यहाँ पे उन लोग मिर्ची खाते हैं, वहाँ पे नहीं खाते। तो आपके यहाँ तो दोनों मिलते हैं ना, विद स्पाइस और विदाउट स्पाइस मिलता है जो आपका कबाब है। और मैं सिर्फ कबाब के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि मुझे सारवी के सीख कबाब के बारे में बात करके मुँह में पानी आ जाता है। वो इतना सॉफ्ट कैसे बनता है? वो सर वो एक गोश्त हम लोग अच्छा लाते हैं, मटन भी गुड क्वालिटी मटन। और ये बनता है जो यहाँ का बरकत है, यहाँ का इस जगह की बरकत है। तो फिर सीख कबाब से लेकर बाकी के डिशेस जो है कैसी शुरुआत होगी? मोस्टली इंडियन स्टाइल है, मगर हम लोग उसमें टमाटर ज़्यादा डालते हैं। अच्छा। प्याज ज़्यादा डालते हैं, मसाला नहीं रहता तो ज़रा टेस्ट उसका अलग ही रहता है। अलग रहता है। ज़्यादा करके बीमार लोग ज़्यादा पहले खाने आते थे। अच्छा, क्यों बीमार लोग क्यों लेके? अब गोश और पाया में बहुत कुवत रहता है। करेक्ट, पाया में स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है, रिकवरी हो जाती है। अच्छा, पाया इज ट्रॉटर्स जो फेमस है। ये जगह लगभग 100 साल पुरानी होगी। हो गया 97 ईयर्स हो। 97 यानी 3 सालों में ये 100 ईयर्स हो जाएगी। तो 3 सालों में मैं वापस आकर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे यहाँ। मैं पहले यहाँ मझगाम में रहता था। ओके। जब बहुत छोटा था मेरी स्कूल बस यहाँ से गुजरती थी, सामने से नागपाड़ा पुलिस स्टेशन होके सेंट मैरीज स्कूल मझगाँव जाती थी। आप सेंट मैरीज में थे? सेंट मैरीज में था। एसएससी या आईसी? आईसी में। आईसी में। आईसी में। मैं सेंट मैरीज में था। आप भी सेंट मैरीज में थे? 1961 में कंप्लीट किया, 61-62। मैंने 80 में कंप्लीट किया। तो थोड़ा यंग हुआ आपसे, थोड़ा नहीं, बहुत यंग है। तो तभी से मैं यहाँ आ रहा हूँ। आते हो, गुड। तभी से मैं यहाँ आकर सीख कबाब खा रहा था, सुबह आकर खीमा खाता हूँ। उफ, नहीं, बातें कर के भूख लग गई। अब मैं आराम से बैठ के खाने वाला हूँ। आराम से खा रहा हूँ। एंजॉय सर। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। चलो खाते हैं। कहा था मैंने सीख कबाब खाऊंगा, लेकिन क्या करूं, मेन्यू देखकर ही मुंह में पानी आ गया और बहुत सारा खाना ऑर्डर हो गया। चलो
यहाँ सीख कबाब है, लेकिन मैं इस यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो ये है जो रजा साहब कह रहे थे कि हेल्दी हेल्दी यानि पाया, पाया का सूप, जो कहते थे कि यहाँ से जे हॉस्पिटल में जाता था बीमार लोगों के लिए, क्योंकि उससे स्ट्रेंथ आता है। तो ये है पाया का सूप। पाया यानी ट्रॉटर्स सब लोग जानते हैं। अर्ज किया है, मतलब फूडी कहता है कि अगर जिंदगी में पाया नहीं खाया तो क्या तुमने पाया है? पाया पाया जो होता है वो बकरे के पैर होते हैं, और उसमें से एक ग्लू जैसा कहते स्टिकी स्टिकी निस आता है उसको। अगर आप इसे देखोगे तो ये थोड़ा जेलेटिनस है, और इससे कहते हैं कि बहुत सारा स्ट्रेंथ आता है खाके। फैंटास्टिक। आप घोष, आप गोश भी काफ़ी सॉर्ट ऑफ अरेबिक डिश है, उसमें चना रहता है। आप में देखते हैं चना है क्या इसमें? हाँ देखिए, मटन के साथ चना कुक होता है। और ये सब खाना माइल्ड है, तीखा नहीं है, बिल्कुल तीखा नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट है। और उसे एक्चुअली जो मटन का स्वाद है वो इसमें आता है। तो आर्मी में अगर सीट मंगाओगे तो उसके साथ रोटी आती है, और ये जो रोटी है वो अलग ही है, कैसे बनती है पता नहीं मुझे, लेकिन किसके साथ खाऊं रोटी। चलो ये बटर चिकन ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अलग किस्म की बटर चिकन है, जैसे दिल्ली में मिलती है वैसी नहीं है। थोड़ी तीखी, थोड़ी कट्टी और थोड़ी मीठी है ये बटर चिकन। टमाटर का ज़्यादा बेस है, ऊपर से धनिया का फ्लेवर और तंदूरी चिकन का स्वाद। अब मटन का कोफ्ता, कोफ्ता खीमा लेके मटन के बॉल्स बनते हैं और ग्रेवी में उसे पकाते हैं। स्पेशलिटी ये है कि जो भी खाना है यार ज्यादा तीखा नहीं है। अभी भेजा, भेजा यानी जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मेरा ये एडवाइस है, जो लोग भेजा नहीं खाते प्लीज ट्राई कीजिएगा। भेजा की जो कंसिस्टेंसी है वो बटर जैसी है, सॉफ्ट है, और मसालों के साथ घोष से ज़्यादा टेस्टी लगता है मेरे हिसाब से। अभी ये पराठा तंदूर पे भी बनता है, और अगर आप बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो तो फ्राई करके भी देते हैं आपको। उसके साथ खाऊंगा मैं ये जबान, जबान यानी टंग, जो अपना भेजे का मसाला है ना, उसी किस्म की है। एक चीज, इन ग्रेवियों में धनिया बहुत सारा डालते हैं, इसलिए ग्रेवी का कलर थोड़ा हरा बन जाता है और एक अलग ही स्वाद आता है। ये ईरानी डिशेज है, ईरान और इराक की डिशेज, जो 100 सालों में इंडिया में आकर इंडिया के टेस्ट के साथ असिमिलेट करके एक हो गए हैं। ओरिजिनली इराक की डिशेस जो इंडिया में आकर इंडियन बन गए हैं। अभी कबाब खाते हैं, रुको मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ यहाँ ताकि मैं कबाब खा सकूँ। अभी मेरे सामने 3-4 किस्म के कबाब है, ये तो चिकन के हो गए, ईरानी स्टाइल कबाब जिसमें मसाला कम है, और इंडियन स्टाइल कबाब, और ये जो कहते हैं कैची कैची, क्योंकि सीख कबाब आप खाओगे किसी जगह पे तो ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं, ये फ्लैट होते हैं,
क्योंकि इनके स्क्यूअर भी फ्लैट होते हैं और ये एक्शन में बनते हैं, इसलिए इसे कैचिंग कहते हैं। सारवी का कबाब खाना ऐसे खाते हैं, ओके। नींबू, प्याज और पुदीना डाल के ये कबाब मक्खन जैसा सॉफ्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कबाब के अंदर मक्खन भी जाता है। उफ, अभी ये चिकन कबाब जिन लोगों को मटन पसंद नहीं है, रेड मीट पसंद नहीं है, उनके लिए चिकन कबाब, लेकिन आप मुझे पूछोगे तो रेड मीट के कबाब होते हैं। अब क्या ये मसूर का पुलाव है? पुलाव है मसूर कीमा का पुलाव, ये भी एक सिर्फ अरब डिश ही है। मसूर और कीमा के साथ माइल्डली फ्लेवर्ड केसर कलर का चावल पुलाव, सिर्फ खड़ा मसाला थोड़ा थोड़ा, तीखा बिल्कुल नहीं है, और जो चावल मसूर और कीमे का जो कॉम्बिनेशन है, वाह माशाल्लाह बहुत अच्छे है। बहुत सारे कबाब है जो मुझे अभी खाने हैं, बहुत सारा गोश्त है जो मुझे खाना है, बहुत सारा खाना है जो मुझे खाना है। लेकिन आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा, आपको अगर ऐसे ही एपिसोड देखने हैं, तो डोंट फॉरगेट कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और जैसे हम हर समय कहते हैं कि आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। जब जबान से जबान मिलती है, या छी मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये कुछ खाने छी छी नहीं 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 ऐसे ही बात करते हैं। सीख कबाब जो ऑलवेज द फेवरेट, सबसे फेवरेट सीख कबाब है। उसके बाद ये भेजा मसाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भेजा मसाला। मैं सीख कबाब सीख कबाब तू भेजा तो मेरा खाता ही है अभी थोड़ा। ये देख चिकन जो है ना, चिकन सीख कबाब, वो वेजिटेरियन है। टू लेग्स, नहीं तो भैया ले ले, ये खा ले ग्रीन। हाँ